हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है कॉमन किचन इक्विपमेंट है, उनके नाम हम करने जा रहे हैं। जो इंग्लिश में हम जो इक्विपमेंट, जो इम्पोर्टेंट कॉमन टॉपिक है, जो अप्लायंसेस है, उसे हम क्या कहते हैं। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, और उसके साथ साथ हम थोड़े से जो वो इक्विपमेंट, जो वो अप्लायंसेस करेंगे जिनका हमें नहीं पता है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोव। हम ज़्यादातर हिंदी भाषा में इसे स्टोव ही कहते हैं, और इसका इंग्लिश भाषा में भी नाम इसका स्टोव ही है। अब इसके आगे हम करते हैं लाइटर। हम ये भी जानते हैं जो ये इक्विपमेंट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद हम करते हैं माइक्रो ओवन। जो ये अप्लायंस है, ये यूज़ होता है कि किसी फूड को कुक करने के लिए, बनाने के लिए, या उसे हीट करने के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। इसके आगे हम करते हैं ब्लेंडर। ये भी एक इम्पोर्टेंट है आपको। अब हम करने जा रहे हैं साथ ही साथ तीन शब्द या तीन अप्लायंसेस कह सकते हैं, इनमें हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं ब्लेंडर। जो ब्लेंडर होता है वो यूज़ होता है किसी चीज़ को मिक्स करने के लिए। और उसके साथ एक वर्ड होता है, एक और हम अप्लायंस यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्राइंडर। जो ग्राइंडर होता है वो यूज़ होता है किसी चीज़ को पाउडर करने के लिए या पीसने के लिए, हम कह सकते हैं। और हमें एक और इक्विपमेंट का पता है, अप्लायंस का पता है, हम उसे कहते हैं जूसर। जो ये अप्लायंस है ये यूज़ होता है जूस निकालने के लिए। अब हम आगे करते हैं टोस्टर। जो ये अप्लायंस है ये यूज़ होता है ब्रेड को तलने के लिए, हम इसे क्या कहते हैं, टोस्टर कहते हैं। चलिए हम आगे करते हैं। जो ये किचन अप्लायंस है हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैटल। जो ये कैटल है ये ज़्यादातर यूज़ होती है पानी को उबालने के लिए या चाय बनाने के लिए। अब हम नेक्स्ट किचन अप्लायंस करते हैं, हम इसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर, या हम इसे फ्रिज भी कह सकते हैं। जब हम इसे फ्रिज कहते हैं, ये एक ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है फ्रिज, और ये फॉर्मल माना जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट किचन अप्लायंस, इसे हम कहते हैं डिश वॉशर। ये बहुत ही सिंपल है। डिश का मतलब होता है बर्तन, वॉशर का मतलब कि जो वॉश करने वाला, साफ करने वाला, मतलब कि जो ये अप्लायंस है ये यूज़ होता है बर्तन साफ करने के लिए। जो बर्तन साफ करने के अप्लायंस को हम क्या कहते हैं, डिश वॉशर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए।